साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहकर सरकार चला चुके उद्धव ठाकरे से पार्टी छीन ली गई है, उनके बड़े नेता छीन लिए गए, कार्यकर्ता छीन लिए गए। हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे के पास झंडा और डंडा उठाने तक के लिए कोई नहीं बचा था। अब बची खुची पार्टी के साथ जैसे तैसे लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे थे, उम्मीद थी कि कुछ अच्छा कर लेंगे, मगर अब बड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी बगावत हो गई है। उसका ट्रेलर दिखने भी लगा, और यही नहीं, ये सब कुछ हो रहा पार्टी के ही अंदर मौजूद विभीषण की वजह से। और इसीलिए तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक ने कह दिया कि हाँ, उसने तो ठाकरे को ही खत्म करने की ठान ली है, खत्म करके दम लेगा। तो क्या हुआ मुंबई में, कौन है उद्धव ठाकरे का करीबी दोस्त जिसे विभीषण कहा जा रहा है, किसने करवा दी सबसे बड़ी बगावत, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है, और पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले उद्धव ठाकरे के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत हुई है, अब तक की सबसे बड़ी बगावत इसे कहा जा रहा है, क्योंकि अब तो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। कुछ बचेगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे, और इसकी वजह बन रहे हैं उनके करीबी, सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कई दिनों की मशक्कत के बाद, या कहेंगे महीनों की कोशिश के बाद भी सीट शेयरिंग फाइनल हो नहीं पाई है। हालात यह कि कई सीटों पर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बीच में भयानक झगड़ा हो गया। कंडीशन तो इतनी खराब है कि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर उद्धव ठाकरे ने तो अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस शरद पवार की पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े करने का ऐलान कर दिया है। भिवंडी, सांगली, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम, और यहां तक कि अमरावती भी ऐसी सीटें हैं जिन पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से दो दो प्रत्याशी मैदान में उतरने जा रहे हैं। और दो प्रत्याशी उतरने का साफ मतलब है कि वोट बढ़ जाएंगे, आपके दोनों ही प्रत्याशी हार जाएंगे, बीजेपी गठबंधन का प्रत्याशी आसानी से जीत जाएगा, और सबसे बड़ी बात उद्धव ठाकरे की ये सीटें हैं, उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी पहले से खड़े हो चुके हैं, लिहाजा सबसे बड़ा झटका उनको ही लगेगा, यानी कि उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। उनके ही सहयोगी कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, अब इनके पीछे उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी विश्वास पात्र माने जाने वाले संजय राउत हैं। जी हां, संजय राउत इस पूरी कहानी के पीछे के कर्ता धरते हैं, और इसीलिए इसे सबसे बड़ी बगावत कहा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे को उकसा रहे हैं, उद्धव ठाकरे को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, और संजय राउत की बातों में आकर उद्धव ठाकरे गलत कदम उठा रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और इसीलिए पार्टी के अंदर रहकर इसे संजय राउत की सबसे बड़ी बगावत कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने अंदर खाने उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने, उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने और उद्धव ठाकरे का अस्तित्व ही खत्म करने की ठानी है, ऐसा लगातार कहा जाता रहा, और इसीलिए उद्धव ठाकरे से ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं जो कि एक शुभ चिंतक तो कभी नहीं करवाता। पहले भी जब बगावत हुई थी तो तब भी संजय राउत को इसकी वजह माना गया, संजय राउत को इस सबसे बड़ा आरोपी माना गया, और अब तो खुद संजय राउत ही बगावत करने वालों में शामिल हो गए हैं। जी हां, भले ही सामने से बगावत ना करें, लेकिन अंदर खाने से जो संजय राउत करवा रहे हैं वो बगावत जैसा ही है, क्योंकि पार्टी में रहकर पार्टी को ही दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं, और खत्म करके ही मानेंगे, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है, और इसीलिए इसे संजय राउत की बगावत सबसे बड़ी बगावत कहा जा रहा है। और इसीलिए तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जब तक उद्धव ठाकरे के पास संजय राउत हैं तो उद्धव को दुश्मन की जरूरत नहीं है, और संजय राउत ही उनकी पार्टी को खत्म कर लेंगे, उनकी पार्टी को खत्म करके ही मानेंगे, उद्धव ठाकरे को खत्म करके मानेंगे। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और अगर बात को नहीं संभाला गया, मामले को ठीक नहीं किया गया, तो एक झटके में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, जी हां, नतीजे आने के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी दोनों ही खत्म हो जाएंगे, और संजय राउत का टास्क, या कहेंगे पूरा टारगेट और मिशन पूरा हो जाएगा, ऐसा लगातार कहा जा रहा है, और ये सामने भी आ गया। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वाकई में संजय राउत विभीषण है या फिर संजय राउत पर गलत आरोप लग रहे हैं, आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल दौर खत्म होने के बजाय और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा कड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फाइनली यहां उद्धव ठाकरे को बहुत जोर का झटका लगा है। ये झटका देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, और चुनाव में उतरने से पहले ही गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। अब पूरा मामला समझिए। असल में मुंबई की 6 सीटों को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है, जिसमें से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तो कई सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। मुंबई में कांग्रेस अपने 2 बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहती थी, जिसमें से वर्षा गायकवाड़ और संजय निरुपम की सीटों पर शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया और कांग्रेस से पूछा तक नहीं। जी हां, इसके बाद तो बवाल पहले ही मचा था और संजय निरुपम और वर्षा गायकवाड़ के बगावती तेवरों ने कांग्रेस के लिए तो मुश्किल कर ही दी, लेकिन ज्यादा दिक्कत शिवसेना के लिए खड़ी कर दी, क्योंकि इन दोनों ने ही बड़े फैसले ले लिए। जी हां, बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यही है कि संजय निरुपम निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस से हटकर लेकिन अंदर खाने कांग्रेस का समर्थन हासिल करके संजय निरुपम उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसा ही हाल वर्षा गायकवाड़ का भी है, उनको लेकर भी खबर है कि वर्षा गायकवाड़ भी कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस को अंदर खाने सपोर्ट हासिल करके निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है, और चुनाव में शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी को जिससे भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक ही है और कांग्रेस के दोनों नेता निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो यूबीटी के लिए बहुत मुश्किल आगे हो सकती है। आगे देखिए, कांग्रेस अंदर खाने इन दोनों नेताओं को निर्दलीय लड़ने के लिए उकसा रही है और ये बात उद्धव ठाकरे गुट को पता चल चुकी है, लिहाजा गठबंधन यहाँ पर खत्म भी हो सकता है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से खासी नाराजगी जताई गई है और कहा गया कि ये गठबंधन के खिलाफ है, जिस पर कांग्रेस ने भी कहा है कि बिना सीट शेयरिंग फाइनल किए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी प्रत्याशियों का ऐलान किया था, तो क्या वो गलत नहीं है, लिहाजा दोनों तरफ से लड़ाई खासी गंभीर हो गई है, बवाल मच गया। अब इन सब के बीच बीजेपी गठबंधन खासा फायदे में रहने वाला है, क्योंकि मुंबई की सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझे रहेंगे और बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट को इससे सीधा फायदा मिलेगा, उनके प्रत्याशी बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं और इसीलिए बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि शिवसेना के शिंदे गुट में अभी अभी शामिल हुए फिल्म स्टार गोविंदा भी यहां पर बड़ी वजह बन गए। जी हां, संजय निरुपम वर्षा गायकवाड़ दोनों के साथ गोविंदा की काफी अच्छी दोस्ती और अंदर खाने गोविंदा ने इन दोनों को निर्दलीय चुनाव लड़ने की सलाह दी है। गोविंदा इन दोनों को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उकसा रहे हैं और अगर ये दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसमें गोविंदा का बहुत बड़ा हाथ होगा। इस पूरे सीन में साफ साफ गोविंदा नजर आ रहे हैं। अब जो भी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस तो आपसी लड़ाई में उलझ गई है, जबकि बीजेपी गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है, लिहाजा बड़ा नुकसान कांग्रेस को उद्धव ठाकरे को इस चुनाव में होता हुआ दिख रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।